हाय, उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए, व्हाट्सअप जो है हमारे ज़िंदगी में काफ़ी यूजफुल है। जैसे कि मान लीजिए आप फ्रेंड सर्कल से बात करना चाहते हैं, फैमिली से बात करना चाहते हैं, या फिर बिजनेस पर्पज़ से इस्तेमाल करते हैं, तो आप जो है व्हाट्सअप को ज़्यादा महत्व देते हैं, क्योंकि वहाँ पर टेक्स्ट मैसेज के साथ वीडियोज, फ़ोटो, डॉक्यूमेंट्स, कॉन्टैक्ट वगैरह वगैरह जो भी चीज़ें होता है, आप जो है आसानी से शेयर कर पाते हैं, और सामने वाला व्यक्ति भी इसको आसानी से देख पाता है, कंज्यूम कर पाता है, क्योंकि जो है काफ़ी सारे लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। और जिसके पास भी स्मार्टफोन है, जिसके पास मतलब नेट कनेक्शन है, वो जो है व्हाट्सअप ज़रूर से ज़रूर चलाता है, क्योंकि यहाँ पे वीडियो कॉलिंग भी कर सकते हैं, ऑडियो कॉलिंग भी कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, मतलब मल्टी जो है फीचर्स आपको यहाँ पे व्हाट्सअप प्रोवाइड कर रहा है। अब ऐसे में मान लीजिए आज के ज़माने में हम कहें तो किसके पास व्हाट्सअप नहीं है, सभी के पास है, इवन मेरे पास भी है, आपके पास भी है, ऐसी वीडियो को देख रहे हैं तो आपके पास भी व्हाट्सअप होगा। लेकिन अभी हम आपको बता दें कि व्हाट्सअप में जो है एक बड़ी अपडेट होने जा रहा है, जिस अपडेट से आपको काफ़ी फ़ायदे मिल सकते हैं। तो इस अपडेट के बारे में हम आपको क्लियर करके बताएंगे कि आखिर वो अपडेट क्या है, उससे आपको क्या फ़ायदे होंगे, साथ ही साथ उस अपडेट कब तक जो है आपके व्हाट्सएप में आ जाएगा और किस तरह से उसको इस्तेमाल करना है, सारा जानकारी जो इस वीडियो में हम क्लियर करके बताएंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि व्हाट्सएप में क्या अपडेट आने वाले हैं। वैसे आप सभी जानते हैं कि व्हाट्सएप पे आप किसी को किसी प्रकार का कोई मैसेज सेंड करते हैं, तो जैसे ही आप मैसेज सेंड करते हैं, उस पर्टिकुलर जो इंसान है उसके पास चला जाता है और वो जो है मैसेज को रीड कर लेता है, देख लेता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि मैसेज टाइप करने में हम कई बार मिस्टेक कर देते हैं, जैसे कि मान लीजिए हमें कुछ लिखना कुछ और होता है और लिख कुछ हम और देते हैं। अब ऐसे में मान लीजिए हमें उस मैसेज को फिर एडिट करने का जो है ऑप्शन नहीं मिलता है, डायरेक्ट जो है डिलीट करने का ऑप्शन मिलता है। मतलब कि मान लीजिए हमें कुछ लिखना कुछ और था, हमने जो है गलती से कुछ लिख और दिया और उस पर्सन को सेंड भी कर दिया, बट उसमें एडिट करने का ऑप्शन आपको नहीं मिल रहा था, केवल उस मैसेज को आप डिलीट कर सकते थे दो मोड में। आप चाहें तो खुद के लिए डिलीट कर सकते हैं या फिर एवरीवन के लिए डिलीट कर सकते हैं। एवरीवन के लिए डिलीट करेंगे तो मैसेज जो है आपके भी चैट से डिलीट होगा और साथ ही साथ सामने वाला का जो चैट है वहाँ से भी उसको डिलीट कर हो जाएगा, जिसके माध्यम से वो रीड नहीं कर सकता, देख नहीं सकता कि आखिर मैसेज क्या भेजा गया है। अगर वो पहली बार नहीं देखा है तब, मतलब थोड़ा सा लेट से देखेगा, तो उसको जो है मैसेज शो नहीं करेगा। लेकिन अब जो नया अपडेट आया हुआ है, इसमें जो है एडिट का ऑप्शन जोड़े जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, इसमें जो है एडिट का ऑप्शन जोड़े जा रहे हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि साफ साफ बताया गया है कि इस पर जो है काम चल रहे हैं, और जैसे ही सक्सेसफुल काम करने लगता है तो इसको जो है व्हाट्सअप में अपडेट कर दिया जाएगा, जिसके माध्यम से आप जो है व्हाट्सअप पर जो भी मैसेज सेंड करते हैं उसमें एडिट कर पाएंगे। अब ये कैसे काम करेगा, किस तरह से काम करेगा, उसके बारे में समझिए। देखिए, आप किसी पर्सन को मैसेज सेंड करते हैं तो उसके जो है 15 मिनट के अंदर जो है उसमें एक एडिट का ऑप्शन आपको मिलेगा, जैसे कि साइड में ही आपको एडिट का ऑप्शन मिलेगा, उस पर आप क्लिक करेंगे तो उस मैसेज को एडिट करेंगे तो जस्ट जो है वहाँ भी अपडेट हो जाएगा जहाँ आपने मैसेज को सेंड किया हुआ है। अगर जब आपने मैसेज सेंड किया उस समय उस मैसेज को देख लिया तो वही चीज़ दिखाएगा, लेकिन थोड़ी देर के बाद देखता है तो यहाँ से अगर आप अपडेट कर देते हैं, एडिट कर देते हैं, तो वहाँ पे एडिटेड दिखाएगा, मतलब लेबल एक लग जाएगा कि इस मैसेज को जो है एडिट किया गया है, तो सामने वाला समझ जाएगा कि मैसेज में कुछ गलती था तो एडिट किया गया है, या फिर आप भी एडिट करेंगे तो आपको भी शो करेगा। तो बहुत ही बढ़िया फैसिलिटी है, अब आपको मैसेज को डायरेक्ट डिलीट करने की आवश्यकता नहीं है। किसी प्रकार का आपने कोई मिस्टेक कर दिया है तो उसको जो है 15 मिनट के अंदर आप एडिट कर सकते हैं, जो अपडेट हो जाएगा, पर्सन के पास भी चला जाएगा। तो कहीं ना कहीं कमाल का फीचर्स है। और साथ ही साथ दोस्तों आपको हम बता दें कि यहाँ पर स्क्रीन शॉट भी डिसेबल किया जाएगा, जैसे कि व्हाट्सअप के माध्यम से कहा जा रहा है कि जो भी आप मैसेज चैटिंग के माध्यम से बात करते हैं उसका स्क्रीन शॉट आप नहीं ले पाएंगे, जैसे कि ये भी बात यहाँ पर कहा गया है। तो दो अपडेट थे जो कि काफ़ी कमाल के अपडेट है। आपको इस अपडेट के बारे में मतलब आपको पता था कि नहीं पता था, आप इसके बारे में जानते थे कि नहीं जानते थे, और ये अपडेट आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये अपडेट जो है अभी मतलब ट्रायल बेसिस पे है, जैसे कि मतलब अभी उस पर काम हो रहा है, उसके बाद उसको टेस्टिंग किया जाएगा और जैसे ही फीचर्स सही से काम करने लगता है तो अगला जो अपडेट होगा ना, जैसे कि व्हाट्सअप में अपडेट आता है जिसको आप प्ले स्टोर से जाकर यहाँ पर डाउनलोड करते हैं, तो जैसे ही अगला जब अपडेट आता है और व्हाट्सअप को आप अपडेट करते हैं तो उसमें जो इस फीचर को
इंक्लूड कर दिया जाएगा, जिसके माध्यम से आपके भी व्हाट्सएप में इस फीचर को दिखाई देगा, जहाँ से सेंड किए गए मैसेज को आप एडिट कर सकते हैं। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं कि मैंने जो है सारा जानकारी आपको क्लियर करके बताया हुआ है। फिर भी आपके मन में किसी प्रकार का कोई सवाल होगा तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जहाँ भी रहें सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।